हेलो दोस्तों, आज हम मिलवाएंगे हमारी कुछ बच्चियों से। इनका नाम जो है समृद्धि है, ये है सिद्धि, ये हमारे गांव के बहुत ही सज्जन पुरुष हैं। हाय करिए, हाय। हाय से हाय नहीं, ऐसे हाय। अपने बारे में कुछ बताइए, आपका क्या नाम है? इनका नाम अखिलेश है। आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिद्धि है। और आप बताइए आपका क्या? मेरा नाम समृद्धि है। आप बताइए आपका? मेरा नाम सार्थक है। आप देखिए इनका क्या नाम है, ये नहीं बोलते हैं। इनका नाम संडे है। इनका नाम संडे है। और यहाँ पे गौ माता से आप मिलाएंगे। ये देखिए छोटी गौ माता है, ये देख रहे हैं, और बड़ी गौ माता इधर है। हम ये गौ माता थोड़ी सी गुस्सैल है, इनको टच करते हैं तो ये गुस्से में आ जाती है। चलिए आइए, हम लोग चलते हैं थोड़ा खेत के लिए। खेत में देखेंगे फसल पक चुकी है, और यहाँ देखेंगे कुछ फल हैं जैसे पपीता। देखेंगे बहुत अच्छा इसमें जो है फल लगा हुआ है, देख पा रहे होंगे आप। और ये देखिए फसल पक चुकी है, और किसान इस समय खुश हैं क्योंकि फसल पक चुकी है और फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। तो अभी हम लोग चलेंगे खेत में और देखेंगे कुछ फसल वगैरह, जैसे हम देखेंगे गाय को क्या खिलाया जाता है। हरे चारे के लिए उन्हें बरसीन खिलाया जाता है, तो ये बरसीन होता है, इसे हम बरसीन कहते हैं। और आप देख सकते हैं एक और अच्छा फल है इस समय, फलों का राजा है आम। देख रहे हैं मोर लग चुका है, और यहाँ पे छोटे छोटे आम आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे आम। और इस बार आम पे बहुत ही अच्छी मोर लगी है। और हम चलेंगे थोड़ा सा और खेतों में, देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं केले का पेड़ है, केला भी है, आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। देख पा रहे हैं आप, केला थोड़ा ऊंचाई पे है लेकिन है, और चिड़ियों की चहचहाट है, इतना सुहावना मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है। बैर का पेड़ है, यहाँ पे हमारे इस एरिया में बहुत सारे फल उपलब्ध हैं। ये बैर का पेड़ है, और बैर पक चुके हैं और ख़त्म हो चुके हैं, नीचे कुछ बैर गिरे हुए हैं। देखिए जैसे ये बैर है, अभी ये पूरी तरीके से पक चुका है और इसे खाने लायक है। चलिए चलते हैं कुछ और देखते हैं। और हम लोग चलेंगे गांव के नाले को, देखिए साफ हो चुका है। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ खिलाड़ी बच्चे भी आ रहे हैं, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। ठीक, चलिए आपको दिखाएंगे महुआ। महुआ देखे हैं आप लोग? महुए के पेड़ को हम दिखाएंगे, और जो पीछे रही है आप देख सकते हैं रास्ते में बाधाएं हैं, गाय है जो कि अपना भोजन कर रही है, कह सकते हैं घास खा रही है। देखिए हम आ चुके हैं महुए के पेड़ के नीचे, आपको दिखाई दे रहा होगा इतना विशाल पेड़, और आपको महुआ भी दिखाएंगे। ये देखिए महुआ, ये बहुत ही फायदेमंद होता है, इसका चाय भी बना के पिया जाता है। और फसल यहाँ बहुत सारे फसल काटे जा चुके हैं, और धीरे धीरे कटने के कागार पे भी हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हमारे गांव की देखनी बाकी हैं, दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।